कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि देश की इकॉनमी को सुधारना बहुत जरूरी कदम है। सरकार ने उस दिशा में शुरुआत की है। वित्त मंत्री श्री पी चिदंबरम ने उन सारी स्थितियों पर चर्चा की जिस परिस्थिति में ये कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा, हमें इस बात की चिंता थी कि दुनिया भर में जो आर्थिक मंदी का दौर है उससे हमारा देश प्रभावित न हो। पहले भी ऐसी स्थितियां दुनिया में आई हैं, लेकिन हम अपनी नीतियों के कारण उस प्रभाव से बच गए। रुपए की कीमत जिस तरह से घट रही थी, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, उसको रोकना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हमारी इकॉनमी की हालत ठीक नहीं होगी तो जो हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे गरीबों, कमजोर वर्गों, पिछड़े इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनेक योजनाएं हैं, उनको हम लागू नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उस आर्थिक स्थिति को संभालना और सुधारना बहुत जरूरी था। उन्होंने कहा कि इकॉनमी की सेहत को सुधारने के लिए तीन चीजें ही हम कर सकते थे। एक तो यह कि देश में ज्यादा पैसा आए जिससे कि रुपए की कीमत और आगे न घटे, कुछ कड़े कदम उठाए जाएं। दूसरी चीज है कि हमारा उत्पादन बढ़े, इससे इन्फ्लेशन पर रोक लगती है। और तीसरी चीज है सब्सिडी पर कंट्रोल किया जाए। ये जो कदम इस बीच सरकार ने उठाए हैं वो इसी को ध्यान में रख करके उठाए हैं। इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स पर कोई बात नहीं,